आपके त्रिपुरा में आ गई और यहाँ पर आकर त्रिपुरा की तकदीर और तस्वीर सब बदल दिया है। तो उसके लिए आपने जो चुनाव जिताया हमारे जितने भी कैंडिडेट्स को, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबको। तो मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि आप इस बार भी हमारे कैंडिडेट गौतम सरकार जी को 16 तारीख को जो चुनाव है उस पर आप सब लोग जाएंगे और जरूर वोट डालेंगे। और जो युवा पीढ़ी के जो हैं, जो अभी आप लोग वोट डालने लायक हैं, आप जरूर जाइए, आपका अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा और आपको देश के लिए अगर कुछ काम करना है तो जरूर जाकर वोट दीजिए। और सही पार्टी को चुनना चाहिए और सही पार्टी आप सब जानते हैं कौन सा पार्टी है, बीजेपी को जिताने का है, क्योंकि बीजेपी ने डबल इंजन सरकार कहूंगी कि सब मिलकर इतना कुछ उपलब्धियां दी है आपके त्रिपुरा के लिए जो पहले नहीं था अभी है। तो मैं मथुरा से आती हूं, मथुरा सांसदीय क्षेत्र है मेरा, भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है, जैसे यहाँ त्रिपुरा सुंदरी माँ त्रिपुरा की ये मंदिर सब यहाँ पे है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वहां से आती हूँ। वहां मुझे पिछले 9 साल से बहुत विकास करने का अवसर मिला और इसलिए हुआ कि वहां पे भी डबल इंजन सरकार, हमारी आदित्यनाथ योगी जी थे, योगी जी हैं वहां पर, और साथ में मोदी जी, दोनों साथ में मिलकर उस क्षेत्र का बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। तो मैं बहुत सारे काम करने की क्षमता रखती हूँ और बहुत कुछ किया है मैंने, जैसे पहले बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, जब मैं पहली बार बनी थी सांसद वहां इतना काम नहीं हो सका, जब से योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने तब से बहुत ही बदलाव आ गया है, बहुत कुछ किया है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं जरूर कहूंगी कि हमारे देश की जनता भी बहुत ही भाग्यवान है जो 140 करोड़ जो जनता है वो सब भाग्यवान इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे एक महान व्यक्ति हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बने हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं पूरा देश बदलता जा रहा है, वो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे सोच कभी किसी और प्राइम मिनिस्टर ने कभी दिल में नहीं रखा था जो मोदी जी करकर दिखा रहे हैं, जो भारत का नया निर्माण हो रहा है। अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में है, G20 का अध्यक्ष कर रहे हैं और आप जानते हैं कोरोना काल में कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा हमारा देश, पूरा विश्व भी कर रहा था, पूरा विश्व में भी इतना प्रॉब्लम चल रहे थे, कई लोग करोड़ों लोग मर भी जा रहे थे, लेकिन सब घबराए हुए थे, लेकिन हमारा देश भारत हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निडर होकर इतना काम किया और पूरा हम लोगों ने खुद ऐसी ऐसी मुश्किलें आई, ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, वैक्सीन भी खुद हम लोग बनाया इधर हमारे देश में, बाहर से नहीं आया, और वैक्सीन दूसरे देशों के लिए भी भेजा है, ऐसा एक बहुत महान काम किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। और उसके अलावा रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से बहुत तकलीफ, सारी दुनिया में सब देश उसका देख रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे भारत का बजट का आकार बढ़कर 45 लाख करोड़ हो गया है। बात करती हूँ कि आपने सुना आप लोग 11 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा आने में देर हो गई, मैं तो 8 बजे से तैयार थी लेकिन ये मौसम खराब होने की वजह से आ नहीं सके, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आके आप सबको मिली हूँ और आप सबको बहुत बहुत